हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन हॉलीवुड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेन। तो आज हम लाए बेहतरीन मूवी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी लाए आपके लिए इस बार, आइडोनिया। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई। कॉमेडी स्पोर्ट्स बायोग्राफी है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट और पसंद आने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5, रोटेन टोमेटोज़ ने इसे 90% दिए हैं और इसे 89% लोगों ने लाइक किया है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं क्रेग गिलेस्पी। का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था $5.39 करोड़। इस मूवी को अकेडमी अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं इसकी लीड कास्ट की, जिनमें आती है मार्गरेट रॉबी, जिन्होंने रोल प्ले किया है टानिया हार्डिंग का। सेबेस्टियन स्टैन हमें रोल प्ले करते नजर आएंगे जेफ गिलोली का। एलिसन जेनी ने रोल प्ले किया है हेवना गोल्डन का। पॉल वॉल्टर हॉसन ने रोल प्ले किया शॉन एकर्ट का। ये मूवी मार्गरेट रॉबी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी बिकॉज उन्हें ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। ये मूवी उन सारी स्पोर्ट्स बायोग्राफी से बिल्कुल अलग है जो आज तक मैंने या आपने देखी होगी। बिल्कुल न्यू स्टोरी को अच्छे तरीके से दिखाया गया है। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले तानिया हार्डिंग के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। 1991 में तानिया हार्डिंग अमेरिका की पहली आइस स्केटर बनी जिन्होंने ट्रिपल एक्सल मूव अपने कॉम्पिटिशन में किया, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। तानिया हार्डिंग का करियर उनकी मेहनत पर डिपेंड करता था और उनकी करियर के बीच में उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो सारी मुसीबतें हम उनके आने वाले जीवन में देखेंगे। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, स्टोरी की शुरुआत करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है तानिया हार्डिंग की स्टोरी बताने से। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी की शुरुआत करते हैं और सब में तानिया हार्डिंग भी शामिल होती है और उसका एक्स हस्बैंड जेफ गिलोली, उसकी मॉम लवोना, उसकी आइस स्केटिंग कोच डायना, उसका एक्स बॉडीगार्ड शॉन एकर्ट और एक मीडिया रिपोर्टर जिसने हिस्ट्री में सबसे बड़े कांड की पड़ताल की जो कि स्पोर्ट्स में हुआ था। तानिया हार्डिंग लवोना की फिफ्थ चाइल्ड थी उसके हस्बैंड नंबर 4 से। लवोना ने तानिया को उसकी 4 साल की उम्र में आइस स्केटिंग सिखाने का फैसला लिया, बट जो आइस स्केटिंग कोच थी वो बिगनर्स को नहीं सिखाती थी। लेकिन तानिया ने 4 इयर्स का होते हुए भी आइस स्केटिंग करना शुरू किया और उस कोच का अटेंशन गेट किया और उसने 6 महीने बाद अपने से बड़ी लड़कियों को कंपटीशन में भी हराया। उस सीन में ये नजर आ जाता है कि हाँ, इस लड़की में टैलेंट तो है, टैलेंट की इसमें कोई कमी नहीं है और फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी आइस स्केटर तो बन सकती है। तानिया की माँ उसको ट्रेनिंग के दौरान फीडबैक दिया करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और क्रूर हुआ करते थे, जो कि एक मदर से तो अनएक्सपेक्टेड थे। एक बार तो लवोना ने उसे बाथरूम जाने से भी मना कर दिया क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के कुछ मिनट्स वो वेस्ट हो जाएंगे और इस वजह से ट्रेनिंग करते वक्त उसने टॉयलेट अपनी ड्रेस में ही कर दी। ये सब देख रही उसकी माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी और निर्दयी थी वो। उसको तब तक मारती जब तक उसको संतुष्टि ना हो जाए। तानिया की माँ बताती है कि उसको ऐसे हेल्प मिलती थी स्केटिंग में क्योंकि उसको मारने पर जो तानिया में एग्रेशन क्रिएट होता था वो अपना सारा एग्रेशन अपनी स्केटिंग में दिखाती थी अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। लवोना बताती है कि वो उसे आइस स्केटिंग के लिए इंस्पायर करती थी। टोनिया अपने फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी एज कम्पेयर टू हर मदर। टोनिया और उसके फादर हंटिंग करने के लिए जंगल में भी जाया करते थे और गन चलाने से टोनिया के अंदर गन चलाने की स्किल भी इम्प्रूव हुई। फिर कुछ साल बाद टोनिया और उसकी माँ को उसके फादर ने भी छोड़ दिया। फिर क्या था, स्केटिंग में करियर बनाने के लिए उसकी माँ ने टोनिया का स्कूल भी छुड़वा दिया। 15 साल की उम्र तक टोनिया यूनाइटेड स्टेट्स की वन ऑफ द बेस्ट फिगर स्केटर बन चुकी थी, पर वो इससे ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसकी स्केटिंग की कॉस्ट्यूम भी होममेड हुआ करती थी। उसके म्यूजिक की चॉइस भी बहुत ही ज़्यादा घटिया थी, इसलिए जजेस उसे नकार देते थे और कम पॉइंट्स देते थे। पर वो अपने मूव्स की बदौलत अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, पर बहुत धीरे धीरे। फिर एक दिन तानिया हार्डिंग की मुलाकात ट्रेनिंग करते वक्त 18 साल के जेफ से होती है। जेफ उसका पहला प्यार बन जाता है, पर जेफ तानिया की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लवोना को लगता है जेफ तानिया के करियर में बाधा बन जाएगा। जेफ और तानिया की डेटिंग के कुछ महीनों बाद जेफ तानिया को मारना शुरू करता है, बट तानिया फिर भी उसे एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसकी माँ भी उसे मारा करती थी और उसे प्यार भी करती थी। जेफ तानिया की लाइफ का वो पार्ट बन चुका था जिससे वो खुश भी थी और दुखी भी रहती थी। फिर जब 1986 स्केट अमेरिका के कंपटीशन में तानिया परफॉर्म करती है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती है वो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पर उसे एंड में बहुत ही ज़्यादा कम पॉइंट्स मिलते हैं जजेस के द्वारा और वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है। तानिया को मन ही मन ये डर लगा रहता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है जो कि उसे सपोर्ट करे।
इसलिए आइस स्केटिंग में कुछ अलग करना होगा, वरना वो भी ऑर्डिनरी आइस स्केटर्स की तरह बनकर रह जाएगी, जो कि वो नहीं चाहती। कॉम्पिटिशन में उसकी परफॉर्मेंस ने उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा निराश किया। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि उसकी बेटी ने इतनी सालों की मेहनत के बाद भी ये परफॉर्म किया। उन दोनों की उस रात बहुत बहस हुई और गुस्से गुस्से में उसकी माँ ने उसको चाकू फेंक कर मार दिया। मरी नहीं वो, उसे लग गई। फिर टोनिया इस इंसिडेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी और गुस्सा हो गई, इसलिए वो जेफ के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई अपनी माँ से दूर। टोनिया और जेफ आपस में अब खुश रहने लगे, लेकिन जब कॉम्पिटिशन में टोनिया की होम मेड ड्रेस की वजह से उसे कम पॉइंट्स मिले तो उसने इस तरह का भेदभाव करने वाले जज को गाली दे दी, जो कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन से अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद डायना टोनिया की कोच उसे बोलती है, अगर तुम ड्रेस अच्छी पहनोगी तो तुम्हारे पॉइंट्स भी अच्छे होंगे। ये सुनने के बाद टोनिया बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने डायना को निकाल दिया और उसे वहाँ से जाना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद टोनिया और जेफ ने शादी कर ली, पर उस दौरान वहाँ प्रेजेंट टोनिया की माँ ने उसे बोला, तुमने अपनी लाइफ और करियर खराब कर लिया है। फिर टोनिया 1991 के नेशनल के लिए डोडी टैकमैन को अपना कोच बनाती है। फिर आता है वो दिन जो टोनिया कभी नहीं भूल सकती, जिस दिन उसने वो जंप अटैम्प्ट की जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता था। टोनिया हार्डिंग ने बड़ी स्मूथली ट्रिपल एक्सल जंप किया और वो जंप करने के बाद तो उसने अपना नाम इतिहास में लिखवा लिया मानो। वो अमेरिका की फर्स्ट ट्रिपल एक्सल जंप करने वाली लेडी बन गई। उसे नेशनल में फर्स्ट पोजीशन मिली। इसके बाद मीडिया उसे पसंद करने लगी। उसका करियर अच्छा हुआ तो उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो गई। अब जेफ उसे हर रोज़ मारता था, उनके बीच में रोज़ झगड़ा होता था। टोनिया अब जेफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन टोनिया अब हर कॉम्पिटिशन जीत रही थी और अब टोनिया हार्डिंग सेकंड वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। फिर टोनिया अपने पति को छोड़ने के बाद अपनी कॉम्पिटिटर नैन्सी के साथ रहने लगी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और जेफ वहाँ पर अपने फ्रेंड शॉन के घर पर टोनिया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि वो उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है। जेफ की ईगो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी और शॉन एकार्ड भी उसके साथ था, क्योंकि पागल का दोस्त पागल ही होता है। इसके कुछ दिनों बाद जेफ टोनिया को बार बार कॉल करके प्यार से बात करके मना लेता है और टोनिया हार्डिंग घर वापस आ जाती है। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब वो हर बार जब वो स्पेशल जंप करने की कोशिश करती तो वो उस जंप को करने में असफल हो जाती, लेकिन उसे अंदर से तो लगता था कि वो ओलंपिक्स में भी वो जंप अटेम्प्ट कर लेगी जो उसने उस समय नेशनल्स में की थी। फिर जब 1992 विंटर ओलंपिक्स हुए और उसने जब परफॉर्मेंस स्टार्ट की, वो बहुत अच्छी शुरुआत थी। और फिर जब वो ट्रिपल एक्सल जंप करने की तरफ बढ़ी, उसने जंप को अटेम्प्ट किया पर वो जंप करने के दौरान नीचे गिर गई। इससे उसका ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाने का सपना सपना ही रह गया और वो फोर्थ पोजीशन पर आ गई। पर पता नहीं क्यों वो निराश भी नहीं थी, उसने ये सब इजीली एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद उसकी जेफ से दोबारा लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई और वो इससे इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने अंत में जाकर जेफ को डाइवोर्स दे दिया और जेफ अकेला हो गया। और अब वो अलग रहती है, उसने स्केटिंग छोड़ दी और वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। फिर आप लोगों को क्या लगता है, स्टोरी एंड होगी? नहीं। फिर एक दिन टोनिया की वो पुरानी कोच उसे मिलती है और उसे बताती है कि ओलंपिक्स कम्युनिटी ने ये अनाउंस किया है कि ओलंपिक्स अब 4 साल बाद नहीं 2 साल बाद होंगे। तुम्हारे पास अब नेक्स्ट चांस है टोनिया, अपने आप को प्रूफ करने का। फिर तब से टोनिया स्केटिंग करना शुरू कर देती है और उसकी ट्रेनिंग भी साथ साथ। लेकिन ओलंपिक से पहले हो रहे कॉम्पिटिशन्स में उसे अच्छे पॉइंट्स अभी भी नहीं मिल रहे हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। फिर एक दिन टोनिया ने जज से पूछ ही लिया कि आप मुझे अच्छे पॉइंट्स कैसे देंगे, मुझे क्या करना होगा अच्छे पॉइंट्स के लिए। फिर जज ने कहा कि स्केटिंग कॉम्पिटिशन में स्केटिंग के अलावा भी कई और चीज़ें मैटर करती हैं, तुम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। इन सब के बाद टोनिया अपनी माँ से मिलती है और उसे बताती है कि कैसे उसने उसकी लाइफ, उसका बचपन बर्बाद किया, पर उसकी मदर कहती है कि उसने उसको चैम्पियन बनाया, उसके साथ जो किया वो अच्छा किया, पर वो उसके एहसान नहीं मानती। ये सुनने के बाद टोनिया वहाँ से चली जाती है। फिर टोनिया जेफ को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो उसके बिना ओलंपिक्स कंप्लीट कर पाएगी। फिर जेफ और टोनिया फिर साथ आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन एक कॉप टोनिया के ट्रेनिंग सेशन के दौरान वहाँ पर पहुँच जाता है
और उसे वॉर्न करता है कि किसी ने तानिया को डेथ कॉल की धमकी दी है कि अगर वो दोबारा स्केटिंग करते नजर आएगी तो उसके पीठ पर उसे गोली मार दी जाएगी। ये सुन के तानिया का दिमाग खराब हो गया क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ वो थ्रेट कॉल्स ही चल रही थी। फिर जेफ प्लान बनाता है कि वो कॉप्स को रियलाइज़ कराएगा कि बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं। इसके बाद जेफ सिर्फ शॉन की मदद से नैन्सी को, जो कि राइवल थी तानिया की कंपटीशन में, उसको धमकी भरे लेटर सेंड करने के लिए कहता है। पर जेफ को पागलपन का तो दौरा पड़ता है, वो तो दोस्त है शॉन का, और जेफ और शॉन तो दोनों बेवकूफ़ भी हैं, और शॉन और दो बेवकूफ़ों को इस काम में ऐड करता है और वो दोनों अटैकर्स में से एक नैन्सी कैरेगन की नी तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम बन जाता है। ये सीन तानिया हार्डिंग की लाइफ में आने वाला टर्निंग पॉइंट था। जब जेफ ये सब टीवी पर देखता है तो वो डर जाता है और फौरन शॉन के घर जाता है और उसे खूब सुनाता है कि तुम्हें सिर्फ धमकी भरे लेटर सेंड करवाने के लिए कहा था। शॉन कहता है क्या पता वो नहीं डरती तो, इसलिए उसने ये कदम उठाया। इस इंसिडेंट से जेफ तानिया दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। तानिया को पता था कि इससे उसके करियर को बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा था। शॉन ने कहा था कि वो सब संभाल लेगा, पर शॉन पे किसी को भरोसा नहीं था। इस तरह का हमला होने से नैन्सी कैरेगन अगले दिन का नेशनल नहीं खेल पाई। फिर तानिया हार्डिंग अब नेशनल चैंपियन बन गई और उसके ओलंपिक्स अब सिर्फ 6 हफ्ते बाद थे, और पुलिस ने भी हरकत में आकर नैन्सी कैरेगन के हमलावरों को पकड़ लिया। और इधर तानिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और अब नैन्सी कैरेगन का केस बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर चला गया था, इसलिए उसे FBI को सौंप दिया गया। फिर FBI तानिया और जेफ से कुछ पूछताछ करती है। तानिया का ओलंपिक्स में जाना अब बिल्कुल ही तय है, लेकिन एक ट्विस्ट, अब उस मोटे शॉन ने हर जगह गा दिया है कि उसके क्रू ने नैन्सी कैरेगन की नी इंजर्ड की। फिर क्या था, 48 घंटों बाद पुलिस उसके घर आ गई, और जो वो कह रहा था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, FBI के कुछ पूछने से पहले ही डर के वो जेफ का नाम ले लेता है। और अब बारी है जेफ की। अब FBI जेफ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है, और कहीं ना कहीं तानिया को भी ये लगता है कि जेफ के किए धरे की वजह से उसके ओलंपिक्स पर कोई असर ना पड़े, इसलिए वो FBI के पास जाती है और उन्हें बता देती है कि जेफ और शॉन ने ये किया है, सारा प्लान उन्हीं दोनों का था। लेकिन इसके बाद जब FBI वाले जेफ से पूछताछ करते हैं तो FBI वाले तानिया का बयान जेफ को सुना देते हैं। उन्हें लगता है कि जेफ से भी उन्हें कुछ पता चल सकता है। तानिया को अपने खिलाफ बोलते हुए जेफ बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर जेफ तुरंत तानिया से लड़ने घर जाता है, लेकिन तानिया रूम का डोर बंद करके उससे बात करती है और पास की विंडो से भाग जाती है, और जेफ वहीं रह जाता है। इसके बाद जेफ गुस्से में आकर FBI को बता देता है कि तानिया हार्डिंग को पहले से पता था नैन्सी कैरेगन के अटैक के बारे में। इससे तानिया हार्डिंग का नाम बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो जाता है। ये बात जब मीडिया में आई तो उसके लवर फैंस उसके हेटर्स बन गए। फिर इन मुश्किल दिनों में एक दिन लवोना तानिया के घर जाती है और उससे प्यार से बात करते हुए ये पूछती है कि क्या उसे पता था नैन्सी कैरेगन के अटैक के बारे में पहले से। फिर तानिया को अपनी माँ पर शक होता है। जब वो अपनी माँ की तलाशी लेती है तो उसे अंदर से एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है अपनी माँ से और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। जेफ, शॉन और उसके साथियों को जेल हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जेफ बेल पर छूट जाता है और तानिया की कोर्ट में हियरिंग ओलंपिक्स तक टाल दी जाती है। फिर आता है ओलंपिक्स का दिन। जब तानिया ने ओलंपिक्स में परफॉर्म किया तो वो ट्रिपल एक्सल मूव नहीं कर पाई। उसने जजेस से कहा उसके स्केट में प्रॉब्लम है, जो कि थी। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से उसे 8th रैंक मिली। नैन्सी कैरेगन को 2nd रैंक मिली, उससे सिल्वर मेडल दिया गया नैन्सी कैरेगन को। इन सब चीज़ों के बाद तानिया कोर्ट में केस लड़ती है और कोर्ट उसे दोषी करार करता है और उसे लाइफ टाइम के लिए स्केटिंग से बैन कर देता है, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरा दिन बन जाता है। इसके बाद तानिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। जेफ अपने एक इंटरव्यू में ये कबूल करता है कि उसने तानिया का करियर बिल्कुल ही तबाह कर दिया। तानिया कुछ महीनों तक दुखी और डिप्रेशन में रही। फिर इसके बाद वो पूरी लाइफ तो दुखी नहीं रह सकती, बिल्स भी तो भरने हैं घर के, तो उसे तो कुछ करना ही था, इसलिए वो लेडी बॉक्सर बन गई, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में वायलेंस सहा था, तो वायलेंस को ही उन्होंने अपना हथियार बनाया और एक प्रोफेशनल बॉक्सर बन गई। और फाइनली एट द एंड जेफ ने दूसरी शादी कर ली और एक हेयर सैलून खोल लिया। लवोना वाशिंगटन चली गई और उनके कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं हैं। तानिया अब प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ साथ लैंडस्केपर, हाउस पेंटर और डेस्क बिल्डर भी बन गई। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं अब, और अब
टोनिया हार्डिंग अपने 7 साल के बच्चे और थर्ड हस्बैंड के साथ खुशी से रहती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जरूरी नहीं कि आपकी कहानी की एंडिंग आपके अनुसार ही हो, एंडिंग कैसी भी हो सकती है, पर उसमें हो रहे चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बदलाव ही जीवन है, नेवर गिव अप। एज अ रिव्यूअर इस बायोग्राफी की मुझे खास बात ये लगी कि स्टोरी में लीड कैरेक्टर को भगवान नहीं बनाया गया, जैसे कि हमारे यहाँ की बायोग्राफीज में होता है। टोनिया हार्डिंग के ट्रू इवेंट्स को स्क्रीन पर उतारा गया, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे। इस स्पोर्ट्स के सबसे बड़े स्कैंडल को दुनिया के सामने लाया गया। अगर आपके मूवी देखनी है तो मूवी अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए बायोग्राफी का क्या मतलब है, इसमें कैरेक्टर को सच्चा दिखाया जाए या उसकी सच्चाई दिखाई जाए। तो फ्रेंड्स, अपनी मनपसंद स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सप्लेन वर्ल्ड को। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सायोनारा।